नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ स्टॉक्स चुना है और इसको कैसे चुना हूँ आप लोग को दिखाता हूँ और उसका लेवल भी आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए, निफ्टी फिफ्टी का हिसाब से कौन कौन सेक्टर निफ्टी फिफ्टी को 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर का हिसाब से आउट परफॉर्म किया है, वो मैंने पहले चुन लिया। ये सेक्टर को पहले चुन लिया, उसके बाद उसी का सेक्टर में जो आता है उसमें उसी का सेक्टर से जो स्टॉक्स आता है उसमें निफ्टी टॉप 50 और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। जुलाई 2019 तक जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा हुआ है, और एफपी और एफआईआई इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सेक्टर में इन्वेस्ट किया है उसको मैंने मैच किया है, उसका हिसाब से मैंने पहले स्टॉक्स को चुन लिया है। देखिए इधर एफपीआई और एफआईआई जो इन्वेस्टमेंट है उसको इधर आप लोग को दिखेगा। देखिए नेट इन्वेस्टमेंट 15 अगस्त तक इसमें इक्विटी का आप लोग देख सकता है। देखिए इसमें कौन सा पॉजिटिव है, इसमें जो पॉजिटिव है देखिए केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, कोल इसमें आता है, ठीक है। ये करके मैंने स्टॉक्स को चुन लिया है, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है जुलाई में महीना में, उसको मैंने उसके साथ मैच किया है। ये नेटवर्क में मेरा प्रॉब्लम है, मेरा वीडियो भी 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, आप लोग इधर से देख सकता है इस लिंक से। इसमें से आप मैंने स्टॉक्स को चुन लिया है, तो उसके बाद इसका फिनेंशियल रेशियोस मैंने देखा है। इसमें ये देखिए फिनेंशियल रेशियोस में स्टॉक्स का पी फी रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो, ये आप लोग चेक कर सकता है, ये अच्छा ही है। इसमें सभी स्टॉक्स में मैंने एनालिसिस किया है, ये आप लोग भी देख सकता है। तो ये देखिए डिविडेंड यील्ड, मतलब डिविडेंड और जो डिविडेंड पास शेयर और मार्केट वैल्यू जो पास शेयर जो है इसमें से ये परसेंटेज निकलता है। आरओसी में जो परसेंटेज है, मतलब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब डेट और इक्विटी मिला के जो टोटल कैपिटल है उसका नेट प्रॉफिट का मार्जिन, नेट प्रॉफिट का हिसाब से ये परसेंटेज निकलता है। आरओई जो ऑनली इक्विटी का हिसाब से निकलता है, सेल्स ग्रोथ इसका दिखाता है अच्छा ही रहता है। फेस वैल्यू देखिए 10 है, पेग रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, डेट इक्विटी रेशियो बहुत कम है, ये अच्छा है। करेंट रेशियो अच्छा है, क्विक रेशियो ठीक है, प्रमोटर्स का होल्डिंग अच्छा है। इसका प्रोस एंड कॉन्स भी आप लोग स्टडी कर सकता है। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन, डिविडेंड पे आउट रेशियो आप लोग चेक कर सकता है। ये मैंने फिनेंशियल एनालिसिस टोटल किया है। ये देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, देखिए इसका ये जो अभी ट्रेड जो कर रहा है इसका 188, इसका बुक वैल्यू का हिसाब से देखिए 4 to 5 times, ये नॉट बैड, 5 times के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो प्राइस तो मतलब ओवर वैल्यूड हो जाएगा, और पेग रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, ये कम होने से, एक के कम होने से अच्छा रहता है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसका कंपाउंड रेशियो, ये आप लोग इधर से चेक कर सकता है। मैंने इसके बाद ये जो ये सभी का मैंने आउटलाइन किया है, आप लोग एक जगह से मतलब मैंने इसको क्यूल करके एक जगह में किया है, तो ये आप लोग इधर से चेक कर लिख सकता है। उसके बाद मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया हूँ, उसको वही मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, कौन सा लेवल पे आप लोग बाई और सेल कर सकता है। तो इसमें देखिए मैंने ये लेवल है, ठीक है, कोल इंडिया में इसमें लेवल है। अभी आप लोग करंट प्राइस में बाई कर सकता है, लेकिन मार्केट आप लोग जानता है कि अप डाउन होगा, तो इसमें से मतलब प्रॉफिट आप लोग को सोच लीजिए जो प्राइस में आप लोग बाई किया है उस, ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें ख़त्म हो जा सकता है, ये टारगेट आप लोग नोट कर सकते हैं। मैंने बोलते जा रहा हूँ,
ये बाई अबाव लेवल बीच में रहेगा टारगेट वन से टारगेट फोर बाएं तरफ और टारगेट फाइव से लेके टारगेट एट दाने तरफ। ये आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इसमें जो लेवल है आप लोग करंट प्राइस में बाई कर सकते हैं कि कोई मतलब म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट